बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में देर रात एक बार फिर से हिंसा भड़की है। ढाका की गलियों में पुलिस की गश्त देखी गई। गश्त के दौरान गोलीबारी की आवाजें तक सुनाई दी हैं। कई इलाकों में आगजनी की भी खबर है, तो बांग्लादेश में अभी भी हालात काबू नहीं हुए हैं। आतंकवादियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और कल जो दिन में उत्पात की तस्वीरें देखने को मिली थी, उपद्रव की तस्वीरें देखने को मिली थी, रात के दौरान भी कई इलाकों में आगजनी की गई है। और खासतौर पर ये खबरें आई हैं कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनके घरों को टारगेट किया गया है, उनके पूजा स्थलों पर भी अटैक किया गया है। हालांकि कल जब सेना सामने आई तो सेना की तरफ से अपील की गई कि हमने आपकी मांगें सुन ली हैं और उसके बाद अब आप शांति बनाए रखें, लेकिन वैसी शांति फिलहाल अभी बांग्लादेश की सड़कों पर ढाका में नजर नहीं आ रही है। वरुण मसीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, देखिए बातचीत का दौर लगातार जारी है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब और कहां रवाना होंगी शेख हसीना, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी कि उनकी किसी से बात हुई हो, इस दौरान फोन पर बातचीत हुई हो, उनका क्या प्लान बनता है आगे, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें हैं। जी बिल्कुल, देखिए आनंद फानंद में 40 मिनट के अंदर शेख हसीना निकल तो गई, भारत ने उन्हें पनाह दी। यहाँ पर एनएसए अजीत डोवाल उनसे मिलते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब वो लंदन की तरफ निकलेंगी, लेकिन 1:30 बजे के बाद से ये अभी तक स्थिति बिल्कुल गोपनीय रखी गई है कि वो कहाँ जा रही हैं या फिर वो कहाँ जा सकती हैं। रात को सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि वो जो पेपर वर्क होता है वो हो रहा है, पॉलिटिकल असाइलम की तरफ इस वक्त शेख हसीना देख रही थी कि लंदन में उन्हें पनाह मिल पाए, लेकिन उसके कागजात शायद पूरे नहीं हो पाए या कुछ ऐसे कारण रहे कि वो अब लंदन है कि कहीं और है, इस चीज को पूरी तरह से गोपनीय कर दिया गया। अभी अगर इस बात को हम सोचें कि शेख हसीना रुकी हुई है उस जगह को भी कड़ी सुरक्षा का घेरा दिया गया है, उसके बारे में भी अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे तक यही खबर थी, रात को हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि लंदन जाने की जो कागजात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, उनकी टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन 1:30 बजे के बाद से पूरी तरह से सब चीज़ों को गोपनीय कर दिया गया। एक सेफ हाउस होता है हर एक एयरपोर्ट में, इस एयरपोर्ट की बात करें, एयरफोर्स का इस वक्त सेक्शन है, वहाँ पर उस सेफ हाउस में थी, लेकिन 1:30 से 2 बजे के बाद से अब तक कोई भी ऐसी जानकारी निकल के नहीं आई है। लेकिन एक जो जानकारी इस वक्त हम अपने जी मीडिया के दर्शकों को दें तो वो ये है कि जिस विमान पर वो आई थी वो विमान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अब वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ से निकलने का उनका क्या वो रास्ता खोज रही हैं और कितना इस वक्त, क्योंकि भारत सरकार भी इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन शेख हसीना को किस तरह से प्रोटोकॉल के वाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितनी मदद मिल सकती है भारत सरकार के, लगातार हमने देखा कि भारत सरकार एनएसए अजीत डोवाल खुद मिले थे, लेकिन अब कितना उनको कौन सा देश कितनी पनाह देगा और कितने समय में पेपर वर्क होगा, उसके बाद वो फ्लाइट उड़ेगी, कितने फ्लाइट लैंड होने का कोई समय देता है नहीं देता है, तो बहुत सी चीजें हैं, शायद शेख हसीना खुद इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भारत उनको अभी इस वक्त जगह दिए हुए। बिल्कुल, और हमारे साथ शिवाज साहब बने हुए हैं। शिवाज साहब, अगर बात की जाए बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के, तो भारत के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है और जिस तरह से वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, यहां अहम सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है और भारत को क्या करना चाहिए। देखो दो बातें हैं चंदन, की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आगे इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, जो आपका असेसमेंट था वो प्रो इंडिया के चांसेस कम हैं, क्योंकि वो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया जो कि अभी तक हाउस अरेस्ट में थी, उनको निकाल दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, वो बिल्कुल एंटी इंडिया हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये सच्चाई है कि भारत के पास और कोई चॉइस नहीं, भारत को जो भी इंटरिम गवर्नमेंट हो उसके साथ एक प्रकार वर्केबल रिलेशन बनाने हैं, और हम नहीं चाहते कि मैसेज जाए कहीं बांग्लादेश में कि हम जो है शेख हसीना को पनाह दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा आक्रोश है शेख हसीना के अगेंस्ट, वो आक्रोश एंटी इंडिया में ना बदल जाए जो पहले बदल चुका है। ये सबसे बड़ा एक खतरा सर तो बना हुआ है। और एक शिवाज जी, अब क्योंकि भारत के खतरों की अगर हम बात करें, क्या ये लगातार माना जा रहा था और ये खुद शेख हसीना ने भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि फॉरेन कंट्री की तरफ से ऐसी साजिश रची जा रही है कि सरकार को गिरा दिया जाए। भारत में अभी शेख हसीना की मौजूदगी है, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब शेख हसीना भारत में ही है। सोमवार शाम को 5:36 पर आए थे हसीना, शेख हसीना, और किस देश में अभी वे जाएंगी ये तय नहीं है। पहले ये जानकारी मिली थी कि वे यूके यानी कि ब्रिटेन जा सकती हैं, लेकिन अभी लंदन जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, कल दोपहर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, सेना ने उनसे इस्तीफा मांगा और इसके बाद वो हालांकि बयान देना चाहती थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ हो चुके थे कि उनको बाहर निकलना पड़ा और वहां पर जिस तरह से लूट मचाई गई, वहां जिस तरह से प्रधानमंत्री के दफ्तर के अलावा उनके घर में भी घुस गए उपद्रवी, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि बांग्लादेश की स्थिति अब आगे क्या होने जा रही है। शिवाज साहब, अगर बात की जाए बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के, तो क्या ये सिर्फ वहां जो इस्लामिक जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका
का रोल है या फिर वहां की सेना इसमें असल खिलाड़ी थी? चंदन, मुझे लगता नहीं कि अगर उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी, क्योंकि आर्मी जो थी वो तो मुझे लगता है शेख हसीना का काफी कंट्रोल था, मगर जो जमात इस्लामी है और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो भी एंटी इंडिया थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा रोल रहा है और चीन का भी इसमें बहुत रोल रहा है, क्योंकि जब शेख हसीना अभी चीन में गई थी तो अपने दो दिन पहले विजिट को खत्म करके वापस आई थी, क्योंकि वहां पर उनको ऐसा लगा था कि कुछ मतभेद हैं बांग्लादेश और चीन के बीच में भी। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई जो कराई गई है जमात इस्लामी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चीन ने का भी इशारा है, तो ये ज्यादा इसके प्लेन है। जो आर्मी ने रोल प्ले किया मुझे लगता है एक मैच्योर किया है, 10 से 15 लाख जो लोग ढाका की तरफ जा रहे थे अगर उनके ऊपर फायर होता तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, कि इतना प्रोटेस्ट था, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं था कि शेख हसीना रिजाइन करें और शेख हसीना को जल्दी से जल्दी एक प्रकार अपने देश से निकाले। सिवाज साहब, आपने चीन की बात की है कि चीन का इसमें अहम रोल हो सकता है, और चीन के लिए तो ये बिल्कुल मुफीद स्थिति है कि क्योंकि कहीं भी अस्थिरता और क्योस होता है तो चीन के लिए सबसे अच्छा होता है कि ऐसी सिचुएशन में अपने जो कारोबारी हित हैं, अपने जो सामरिक हित हैं, उनको साध सके। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि चीन तो एक ऐसा देश है कि जो कि ट्रैप में डाल देता है, डेप ट्रैप में डाल देता है, और भारत के लिए चिंता का विषय है कि जो जो भी देश भारत के नजदीक हैं, चाहे वो नेपाल हो या भूटान हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश के अंदर वो बहुत प्रेशर डाल रहा था कि ये जो चिटागोंग का जो पोर्ट है उसको मिलिट्री पोर्ट के तौर पर वो बांग्लादेश को दे, तो ये सच्चाई है कि भारत के लिए चिंता का विषय था और है, क्योंकि अगर आप चीन को देखें तो उसने कुआकपू और कोको आइलैंड म्यांमार में अपनाए हुए हैं, चिटागोंग जो एक पोर्ट, बिल्कुल वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की बात जो की जाती है जिसके जरिए भारत को घेरने की कवायद की जाती है, तो ऐसे में अब भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इन सबके बीच वरुण, भारत सरकार की ओर से किस तरह का संवाद शेख हसीना के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इस बात पर सभी मानते हैं कि शेख हसीना को लंबे समय तक भारत में शरण नहीं दी जा सकती, ऐसे में किस तरह का और संवाद अभी हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की बात करें तो कल सबसे पहले तो उनको अनुमति दी जाती है कि वो हिंडन एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। ये सब कुछ इस वक्त डिप्लोमेटिकली हर एक फैसला लेने के बाद हुआ था, ऐसा नहीं था कि फ्लाइट ऊपर से उड़ रही थी और पेट्रोल भराने के लिए हिंडन एयरपोर्ट रुक गई, पूरा पॉलिटिकली पूरी तरीके से हर कोई फैसला लिया गया और उसके बाद अजीत डोवाल एनएसए खुद यहां पर पहुंचते हैं, और जिस तरह की चीजें जो टेक होगा आई थिंक वो सीधा शेख हसीना को बताया गया होगा कि उनके पास कितना समय है या किस तरीके से इस चीज को भारत सरकार लेना चाहती है। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की, अगर वो मीटिंग की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरह से फैसला हुआ कि बांग्लादेश पर इस वक्त भारत का क्या टेक है, लेकिन शेख हसीना इस वक्त जानती हैं कि उनको कहीं ना कहीं वो पनाह खोजनी होगी, और उसी के चक्कर में लगातार वो लंदन से हो, फिनलैंड हो, बहुत सी ऐसी जगहों पर सामने आ रहा है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश और अभी इस वक्त जो रिजल्ट है उसके बीच शायद अभी बहुत फासला है। ठीक है वरुण, आप नजर बना के रखिएगा कि आप सब अपडेट सुनेंगे, हमारे साथ एके शिवाजी भी बने हुए हैं लगातार, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम बता दें कि देखिए भारत के पड़ोस में और भारत के दोस्त को अस्थिर करने का इतिहास हमेशा चीन और पाकिस्तान का रहा है। बांग्लादेश के साथ भी चीन और पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि यही किया है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक आ पहुंचा, और अब वहां ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। सरकार सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान के इशारों पर चलेगी। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और एनजीओ शामिल रहे हैं। हो सकता है कि आंदोलन के लिए आईएसआई ने ही इन्हें फंडिंग की हो। चीन भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती की वजह से वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाया। अब तख्ता पलट के बाद चीन बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।